हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी चमत्कारिक ट्रिक जिसको देखकर आप कहोगे कि वाह सर वाह, आपने ये क्या बता दिया, हमारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की एक ऐसी ट्रिक जिसको देखकर आप खुद कहोगे कि या मजा आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं आज की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना बस एक कुछ नंबर लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, ठीक है। मुझे इसको 58 को मल्टीप्लाई करना है 1111 से। मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा 93 को कितने से, 111 को। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को कितनी देर लगेगी सॉल्व करने में, लेकिन मैं कितनी की 1 2 3 4 5 सेकंड लूंगा और 5 सेकंड में मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसको करना है मुझे, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 सेकंड लूंगा, मैं इसका आंसर लिख दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे कर दिया, तो बस आपको भी 5 से 7 सेकंड, मैंने प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने इतनी जल्दी आंसर कर दिया केवल 5 सेकंड, आपको भी इतना ही टाइम लगने वाला है इसको करने में। तो चलिए आइए देखते हैं कितनी आसानी से आप इस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक को कर सकते हैं। इस ट्रिक की एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, आप कितने ही मन लगा लेना, किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी हो कितने ही मन लगा लेना, ये ट्रिक आराम से वहां पर कामयाब होगी। बहुत आसान ट्रिक है, बस आपको एक काम करना है छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक को। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। आपने नंबर ले लिया 95, या मैं कह रहा हूं आप 3 डिजिट का एक नंबर लीजिए, पहले 2 डिजिट से ही शुरू करते हैं। हमने नंबर लिया है 87, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखते जाओ, ये नंबर 2 डिजिट का है, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो और फिर इसको 87 को एज इट इज यहां पर लिख दो आप। उसके बाद आप ये नंबर देखो कितने डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का, जितने भी डिजिट का नंबर है उससे एक डिजिट कम कर लो तो कितने हो जाएंगे, 2 डिजिट। तो 20 इधर लगा देंगे, 2 डिजिट ही इधर लगा देंगे 0 के रूप में। 3 डिजिट का नंबर था, आपने 20 इधर लगाई और 20 इधर लगाई, काम हो गया हमारा आधा, मतलब ये लगा लो 25% हमारा काम हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहां पर कितने डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आपको तीन नंबर है तो तीन के सेट बनाते चलो, 1 2 3 तीन नंबर हमने लिए ले लिए, तीनों को जोड़ दो आपस में कितना आ गया, 7 + 0 + 0 कितना आएगा, सबको पता है 7 ही आएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये नंबर आपका इसमें शामिल हो गया, फिर से आपने 3 का सेट बना दिया। अब आपने क्या करना है, 0 + 7 + 8 कितना हो गया, 8 + 7 हो गया 15। अब 15 को क्या ऐसे लिख दूं, नहीं ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल ऐसे मत लिखना, 15 का 5 लिखना, 1 को आप ऊपर दे देना कैरी, इसको उधार दे दो, यहाँ पर 0 है। उसके बाद में आपने क्या करना, फिर ये तो नंबर आपने ले लिया है, अब आप अगले नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, यहाँ पर 1 कैरी है, तो 7 + 8 + 0 कितना हुआ, 15 + 1 यहाँ पर ये लिए तो कितना हो गया 16। अब आप इसको मिटा दीजिए क्योंकि इसका तो हमने यूज कर लिया है, 16 यहाँ पर ये लिखा है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको फिर मिटा दो, अब फिर से 3 का सेट ये बना दो, 8 + 1 कितना हो गया 9, ये लो आपका आंसर आ गया। आप दोस्तों चेक कर लो इसको कैलकुलेटर उठा करके, आप यकीन नहीं मानोगे कि आप 5 से 7 सेकंड में इतना आसान, इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो है इतनी आसानी से कर सकते हो। आपको अगर वैसे करना होगा तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप ऐसे 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 करोगे, फिर आप ऐसे 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 करोगे, फिर इनको जोड़ोगे, फिर जाकर के आपका ये आंसर आएगा। लेकिन आपने देखा मैंने कितनी आसानी से, अभी तो मैंने आपको बताने में इतना टाइम वेस्ट किया, वरना तो मैं बहुत कितनी जल्दी मैं इसको निकाल सकता हूँ, इसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। चलिए 3 डिजिट में देखते हैं, ऐसे नहीं 2 डिजिट में ही कामयाब है ये ट्रिक, आप 3 डिजिट में निकाल कर देख लो, 4 डिजिट में निकाल कर देख लो, 5 डिजिट में निकाल करके देख लो, जितनी डिजिट लगानी हो उतने डिजिट लगा लो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर 111 के काउंट में होना चाहिए। आपने नंबर लिखा 939 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने यहाँ पर 4 1 लगा दिया, यानी कि 1111। अब आपको क्या करना है, नंबर भी यहाँ पर 939 है, आपको कुछ नहीं करना, 939 को ऐसे का ऐसे लिख दिया,
उसके बाद में 4 बार 1 है, 4 डिजिट का नंबर है, तो क्या करना है 1 2 3 1 2 3 3 0 इधर 3 0 इधर आसान है। उसके बाद में ये 4 डिजिट है तो 4 4 के सेट बनाते, चलो 4 का सेट बनाया, 0 0 0 9 आ गया आंसर, चारों को प्लस किया तो। उसके बाद ये मिटा दिया, फिर 3 को ले लिया, 9 + 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी दे दिया। अब कितना आया ये, इसको शामिल किया 9 + 3 12 + 9 21 + 2 1 22 2 कैरी हो गया। अब उसको मिटा दो, इसको लिया तो कितना हो गया 9 + 3 12 + 9 21 + 2 23 ये हो गया 3, फिर कितना आया 2 फिर से आगे उसको कैरी दे दिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे पीछे पीछे का एक नंबर आप हटाते रहेंगे वहां से, आप 3 + 9 12 12 + 2 14 की 4 1 कैरी और जो ऊपर कैरी दे रहे हैं आप उसको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं करना। अब 9 + 1 कितना हो गया 10, तो यहां पर हमारा 4 का सेट कंप्लीट हो जाता है। ये रहा आपका आंसर, आप खुद देख लो कितनी देर लगाई है मैंने आपको समझाते समझाते भी। तो दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है ये, एक बार करोगे ना तो उसके बाद में आप ये खुद कहोगे, किसी और को दिखाओगे ना तो वो कहेगा भाई तू तो जादूगर है मैथ्स का। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैथ्स की और भी ट्रिक देखनी है ना इसलिए। चलिए थैंक यू सो मच, इस ट्रिक को आजमा कर देखिए और भी नंबर्स को आप निकाल कर देखिए, जितने नंबर्स आप निकालेंगे उतनी हैरानी आपको होगी, उतने ही आप दूसरों को बताने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। चलिए चलता हूं मैं, दूसरी ट्रिक भी तो लेकर आनी है। थैंक यू, बाय बाय।